नमस्कार। यदि आप ईपीएफ संचालक हैं, आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आधार कार्ड से निकासी में लिमिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रैल महीने 2024 में एक नया लिमिट के साथ पेश है। आपको बता दें, यदि आपके पास ये जानकारी ना हो तो आपके ग्राहक, आपके 50% ग्राहक घूम के चले जाते होंगे और आप आधार निकासी नहीं कर पाते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का। चलिए जानते हैं क्या कुछ है अपडेट। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं CSP APS संबंधित, तो APS इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल इजी केसपॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ एक लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको बता दें, यदि आप भी आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया लिमिट आ गया है, क्या लिमिट आया है यह जानकारी अगर आप रखेंगे तो कोई भी कस्टमर आपके यहां से घूम के नहीं जाएगा, बल्कि कस्टमर पैसा निकासी करके जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कई सारे नियमों में बदलाव किए हैं, लेकिन वैसे में आधार कार्ड से निकासी के दौरान एक नया लिमिट भी सेट कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, अभी यह जो जानकारी निकल के आ रही है, अभी जानकारी यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन आप 10,000 राउंड फिगर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको 50 रुपया या 100 रुपया कम करना पड़ेगा। यदि आपके दुकान में कोई भी ग्राहक 10,000 निकासी करने आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो 10,000 पूरा नहीं होगा, वहां पे लिमिट का इधर हो जाएगा और कस्टमर को आप वापस कर देंगे। लेकिन आप निकाल कितना सकते हैं, निकाल सकते हैं 50 रुपया कम, यानी कि 10,000 राउंड फिगर अभी विड्रॉल नहीं दे रहा है, 50 रुपया या 100 रुपया कुछ भी कम करिए तो हो जाता है ट्रांजेक्शन। तो यह जानकारी थोड़ा सा छोटा सा रखिएगा, तो आपके ग्राहक घूम के नहीं जाएंगे। यदि आपके पास कस्टमर घूम के जा रहे होंगे तो वैसे कस्टमर का थोड़ा सा आप कस्टमर को बताना पड़ेगा कि भाई 50 या 100 रुपया कम विड्रॉल करना पड़ेगा, 10,000 पूरा राउंड फिगर विड्रॉल अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं हो रहा है।